हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इस बैठक में सिरसा और थेहड़ मामले में विस्थापितों की सुविधा के लिए जो पैसा देना था उसको फिलहाल रोका गया है। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड के साथ उनकी सेटलमेंट होने के बाद ही अगला फैसला लिया जाएगा। थेहड़ से विस्थापितों में 723 परिवारों को हाउसिंग बोर्ड में फ्लैट का मालिकाना हक दे दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद थेहड़ विस्थापितों का क्या कहना है, इसके लिए हम लोग पहुंचे फ्लैटों में जहां पर इन 723 परिवारों को रखा गया है। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी, इनकी क्या राय है खास बातचीत में। नाम क्या है? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, आज हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई जी। उसमें फैसला लिया गया कि थेहड़ के निवासी जो हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में रह रहे हैं जी, उनको मालिकाना हक दिया गया है जी। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हमें तो जैसे कहा कि वहाँ से उठने के बावजूद 2 महीनों के बाद आपको प्लाट मिलेंगे, और ये प्लाटों के लिए यहाँ पे आए तो यहाँ कभी बिजली नहीं मिलती, कभी पानी नहीं है, यहाँ गंदगी बहुत है, बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत आती है, मेहनत मजदूरी करने के लिए चौक पे जाते 20 लगा के जाते 20 आने के लगते हैं, 40 दिहाड़ी मिले ना मिले उसका कोई पक्का पता नहीं है। और ये फ्लैटों को कह रहे तो फ्लैटों तो वैसे नहीं, हमारा दिल लगता है, मच्छर इसके अंदर ना, लाइट ढंग से रहती है, कोई सुनाई नहीं है इसकी। नहीं, फ्लैट मिले वो अच्छी बात नहीं है? नहीं जी, नहीं नहीं, हमें तो जैसे खुल्लो रहने में आदत पड़ी हुई थी, हमारे पशु है ये कहाँ जाएंगे। तो आपको मतलब कि प्लेट नहीं, प्लाट चाहिए? हाँ जी, प्लाट चाहिए हमें, हमारे को तो प्लाट चाहिए। चरणजीत जी, सरकार जो अपने खेड़ के लोग हैं उनको प्लेट का मालिकाना हक दे रही है, इस बारे में क्या कहना है आपका? मंजूर नहीं है? मंजूर नहीं है ना। तो खाली प्लाट चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? खाली प्लाट चाहिए, मुआवजा चाहिए जी, हमारा घर बार थोड़े वैसे ही चाहिए मानते। तो सरकार जो प्लेट दे रही है वो पसंद नहीं है हमारे? तो क्या दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत पानी की दिक्कत, चढ़ने की दिक्कत, बीमार हो पड़े बच्चे, और भाई गंदगी बहुत है। जो बाजार में जाइए तो 50 रुपए होने, तो फिर जाएंगे बाजार में 100 रुपया फिर जाया जाए ना, हमारे को पसंद नहीं है। हमने तो खाली प्लाट चाहिए, हमारे तो खाली प्लाट चाहिए, जैसे हमारे घर थोड़े वैसे ही घर चाहिए हमारे तो। भला हमारी तो जगह सामा भाई दे दे, मोड़ के भैया बना लेंगे, मुआवजा दे देने माने। शहर में कोई प्लाट मिले? हाँ, शहर में प्लाट मिले, शहर में ही तोड़े, शहर में प्लाट मिलने चाहिए माने, शहर में ही लेने हमें तो। हम दिहाड़ी करके तो खा लेते हैं, और सारी काम धंधा तो बड़ा ही लगा दिया कमा कमा के भाई। उनसे मासिक किराया लिया जाएगा? तो अभी तक कोई किराया वगैरह लिया आपसे? ना नहीं लिया, कोई किराया नहीं, ना नहीं लिया। बिजली पानी के? ना कुछ भी नहीं दिया, वैसे ही है भी। आए ठेले ने मीटर लगाने, और मंदा हाल बहुत है। कैंटी थे भी तो बीमार हो जाए, तेरा रात को कितने पास? हाँ, रात को रात बीमार हो जाने हो तो कितने जाइए जी, पैर चढ़ना एक दूसरे दुखता है, पानी आंदा, कोई सुविधा नहीं है। 100 रुपया हो फिर असी पहुंचते हैं, फिर साड़ियाँ जवाना करे कुड़ियाँ, असी की करिए, असी बच्चियां लेके कितने जाइए आदियां। सरकार नु ये भी सोचना चाहिए, शहर च उठाए तो शहर च ही देवे थान सरकार। हाँ, शहर च लाएंगे, डब्बी वाले घर तोड़े आ, साडे कोल झोपड़ियां थोड़े ही सी, साडे मकान बनाए थे, वड्डे लोकां ने हाथ क्यों नहीं जोड़े उन्होंने, वड्डे लोकां ने हाथ जोड़दे ना फिर उन्हां दा भी लग्गिया सी, साडा 10 तां जरूर ही लग्गिया होना, सानू तो है बजाते है। सरकार का फैसला मंजूर है नहीं? ना साडे कोई मंजूर नहीं है, खाली प्लाट चाहिए, पैसे चाहिए मनाणा, सानू तो पैसे चाहिए, खाली प्लाट चाहिए, वो भी शहर च, सानू जिवें शहर च उठाए शहर च चाहिए, शहर विच ले। सरकार अपने थेड़ के लोगों जो रह रहे हैं उनको मालिकाना हक दे रही है, तो इस बारे में ठीक है फैसला सरकार का? नहीं जी, ठीक को नहीं, बहुत दुखी है। क्या चाहिए आपको? वो उसके ऊपर पानी गिर दे, वो उसके ऊपर गिर दे, गंदगी ना पड़े। तो क्या चाहिए? प्लाट चाहिए, प्लाट चाहिए। प्लाट कहाँ? ना ऊपर दे, कितने भी दे दे, शहर के दौरे दे दे, शहर की रहना। तो फिर बना लोगे? नहीं, पैसे चाहिए हमने बनाने के लिए, बनाने के लिए पीछे चाहिए जी, हम खाते लाएंगे, हमारे बच्चों को ताटा को नहीं करना है, अगर जिसे हम खाए जाए हमने बसा भी दो। मतलब फ्लैट नहीं चाहिए? ना फ्लैट नहीं चाहिए, एक तो जी ये खुर्रा है, बुरा है जी, जो सारी हम दम का और मर जाएंगे, पूरे पड़े जाएंगे, मैं एक बीमार बंदा चढ़ नहीं सकता, सारी प्लेट टूटी पड़ी है, सारे की गंदगी फैली पड़ी है। आप लोगों ने डिमांड करी है इसकी?
व्यवस्था के लिए कोई अधिकारी या कोई नहीं आता दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं फ्लैट। जाके देख के आओ। अच्छा अंदर 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 कैसा है? बच्चे बीमार हो पानी तो रिपेयरिंग वगैरह नहीं करवाई? झाड़ू वाला भी आता कोई पानी नहीं कोई ढंग का बीमार हो पानी पी लेने तो खाना खान तो भी रह जाने फ्लैट दे रही है तो आपको मंजूर है? नहीं सर। तो क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या पानी की भी समस्या है, इतना गंदा पानी है कोई खाना खाए तो उल्टी आ जाए उसको। पानी में क्या गंदा पानी शिविर का आता है? शिविर का पानी आ रहा है सर तो सारा धसा पड़ा फ्लैट, आप अंदर जाके देख सकते हो सर। तो कब से समस्या है ये? जब से आए हैं तब कभी कभी पानी बंद कर देंगे, पानी भी नहीं आता कई बार तो। और जो आता वो गंदा है? गंदा है, आप पी के देखो बहुत गंदा का पानी है, सीवर का पानी आ रहा है, सारा पेंट झड़ रहा है, रंग झड़ रहा है, सब खत्म है। कल को दस जगह बंदा कौन निकला? आपकी क्या डिमांड है? डिमांड ये है प्लाट मिल जाए और उसके लिए उसका मुआवजा मिल जाए। आपका नाम क्या जी? रोशनी। रोशनी जी, आज सरकार ने फैसला लिया है कि डेढ़ के जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं उन्हीं को मालिकाना हक देगी सरकार, और इसकी राशि भी है शायद सरकार अपने आप वहन करेगी, तो इस बारे में क्या कहना है? माने तो ये चीज की तो जरूरत को नहीं, मैं तो प्लाट चाहिए मैंने भले चल चल बच्चे का दे दो, मैं तो प्लाट चाहिए मेरी बिल्डिंग तंग आ रहा ना, मारो पानी चुचड़ लाग रहे हो ना, मारा कोई चीज को चुचला रही, माड़ी माड़ी जगह है, बत्ता खड़ा मारा सोवा खड़ा उठा खड़ा बैठा है, एक कबीलदारी घर है तो खड़ा तुम्हारी बूस सोवे खड़ा मारा बैठा सोवा खड़ा मैं आप सोवा। तो आपको फ्लैट की बजाय प्लाट चाहिए? माने प्लाट चाहिए बस सीधी बात, प्लाट कौन चाहिए? प्लाट चाहिए माने खाली प्लाट हो? हाँ खाली प्लाट हो, खाली प्लाट हो मतलब ढाई ढाई तीन तीन लाख रुपया होना चाहिए मकान बनाने वास्ते। और ये कहाँ मिले आपको? शहर से बाहर? शहर में मैं तो गाय थोड़ा जी करवाई दे दो, शहर उबार दे दो, अपने शहर के अंदर दे दो, शहर के अंदर ही ना नहीं रहना मैंने। और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? और सारी समस्या है, कभी बिजली नहीं देते, कभी पानी नहीं देते, कभी दुनियादारी ऐसी है कमर्शियल लैंड बंद कर देते हैं, उठा बैग मारता है अंदर सोई मार जाता है, ये बात है। मकान भी अंदर से फूट गए? मकान सारा खुद जा पड़े जे प्लास्टर उतर गया। हां ये मतलब दो मौसम खराब हो है तो खर्चा है तो दो मंडो डर लगा भी कदे आप बिल्डिंग ऊपर ना पड़ जा बाट पाल का है। तो मतलब आपको तो सिर्फ यहां रहना नहीं है? माने तो रहना को नहीं बस मतलब प्लाट चाहिए बनाने के लिए। कैसे मिले आपको शादी बनाने के लिए? अरे मानता हो तो तुम्हारी चीज दो, मैं यहाँ कौन कहा कभी मान 20-20 मरला दो 10-10 मरला दो ना, मैंने डाटे 3-3 मरला दे दो, मैं 20-20 मरला कौन जरूरत माने, मैंने तो बस इतनी चाहिए कि मन तो मैं चीज जगह दियो और मनाने वास्ते।